नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिमाचल में जबरदस्त सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है, जिसकी एक एक बड़ी खबर, एक एक अपडेट लगातार इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं सियासी घमासान को लेकर, क्योंकि कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फाइनल हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं उनमें अब जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। अब उनके समर्थकों की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ये चुनाव जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से जीते हैं, इसीलिए किसी और नाम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिमाचल से ये बड़ी खबर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू नए सीएम होंगे, ये लगभग अब तय माना जा रहा है। इंतजार औपचारिक ऐलान का किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई वैसे ही हिमाचल में असंतोष की भावना समर्थकों में आ गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दो धड़ों में बटी हुई फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। एक तरफ गुजरात, जहां 156 विधायकों ने आज अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, और एक तरफ हिमाचल, जहां 40 विधायकों के सामने ये मुश्किल आ रही है कि नेता कौन होगा, ये अभी तक चुन नहीं पाए हैं। दोनों जगहों से जो तस्वीरें आई वो दोनों पार्टियों की वर्क कल्चर को साफ साफ दिखाती हैं। बीजेपी में फैसला मोदी कर चुके थे, ऐलान रैलियों में ही कर दिया गया था, कांग्रेस में फैसला होना था। यहां आलाकमान को कैसे मुंह चिढ़ाया गया सबने देखा। बीजेपी में आज एक शांतिपूर्ण तरह से बैठक हुई, भूपेंद्र पटेल बिना किसी शोर शराबे के चुन लिए गए। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की गुटबाजी ने ऑब्जर्वर की नाक में दम कर दिया। मीटिंग पर मीटिंग हुई, बायकॉट हुए, नारे लगे, शक्ति प्रदर्शन हुआ। 6 से 7 दावेदार सामने आ गए। प्रतिभा सिंह के बाद अब सुखविंदर सुक्खू का नाम सामने आया है, लेकिन हंगामा अभी भी लगातार जारी है। आज चर्चा इसी वर्क कल्चर पर करेंगे, दोनों पार्टियों के आलाकमान की अथॉरिटी पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लाइव हलचल चल रही है हिमाचल में उसकी जानकारी भी आपको दे दें। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लगभग तय हो गया है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। औपचारिक ऐलान बाकी है, जब विधायक दल की बैठक होगी अब से कुछ देर बाद तो शायद उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ कांग्रेस की जो मुश्किल है अब आप देखिए कैसे बढ़ रही है, क्योंकि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने अब नारेबाजी शुरू कर दी है और कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की तरफ निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है प्रतिभा सिंह जिनके समर्थक अभी भी डटे हुए हैं, और जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान हो सकता है, वैसे ही उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही है। तो दो राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, 156 विधायक चुनकर आए, वहीं दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, 40 विधायक चुनकर आए। गुजरात में सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है, आज बैठक हुई, शांतिपूर्ण तरीके से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई, लेकिन हिमाचल में अभी भी पिक्चर पूरी तरीके से साफ नहीं है। हिमाचल में अभी भी जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब है ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ हैं जो हिमाचल पर हमसे बात करेंगे। केके शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता और आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अभय आपके पास आऊंगी, आप जरा लाइव वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, क्या अपडेट है फिलहाल इस खबर पर, सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए। देखिए बिल्कुल प्राची, इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर मौजूद हूं शिमला में, और यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो ओबराय होटल से निकलकर हिमाचल प्रदेश की जो सामने विधानसभा है यहां पर अंदर जा चुके हैं। कुछ ही देर में जो बाकी के कुछ विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। प्रतिभा सिंह अभी यहां पर नहीं पहुंची हैं, क्योंकि ओबराय होटल के बाहर जो उनके सपोर्टर्स थे वो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, वो भी यहां पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि नाम पर मोहर लग चुकी है, और फिलहाल जो विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं यहां पर जितने जीते हुए विधायक हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है, और कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। आप किसके सपोर्टर हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ, वो आम कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम किया है। जा रहा है कि नाम पर मोहर लग गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू के, उससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं जी, एक साधारण कार्यकर्ता और आम कार्यकर्ता इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है तो ये खुशी की बात होती है, जिसपे कोई परिवार का वो बैकग्राउंड कोई नहीं है, और आम आदमी एक बहुत बड़ी पोस्ट पे
पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम का साधारण से परिवार से होकर वो निकले हैं, उनके पिताजी जो है वो ड्राइवर का काम करते थे, और NSUI से लेकर यहाँ तक पहुंचना और उनके नाम पर मोहर लग गई है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है और काफी खुशी है, और इससे बड़ी उपलब्धि हो भी नहीं सकती है एक साधारण कार्यकर्ता के लिए के रूप में। लेकिन जो बाकी जो कार्यकर्ताओं की संतुष्टि है वो भी नजर आ रही है, लेकिन बाकी एक तस्वीर वो भी है जहां पर खुलकर नारेबाजी अभय की जा रही है। आप इस लाइव हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, देर आए दुरुस्त आए, पर्यवेक्षक आपने जिस मकसद से भेजे थे वो मकसद लग रहा है अभी कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी के अंदर की जो खेमेबंदी है या गुटबाजी है फिर सड़क पर आ गई। आलोक शर्मा जी, फिर से नारेबाजी हो रही है? टूटी तो नहीं पार्टी कहीं, देख लीजिए नोएडा के मीडिया को, क्या टूटी हुई पार्टी नजर आ रही होगी? आप लोगों ने क्या कांग्रेस की सुपारी ले रखी है क्या? अभी रिपोर्टर साहब को एक कार्यकर्ता ने भरे सड़क पे तमाचा मारा, फिर भी आप लोग नहीं समझ। दो दिन हुए रिजल्ट आए हुए, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया। बीजेपी का याद है आपको 42 दिन तक महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल नहीं बना था। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आपको बीच में सर टोकना नहीं चाह रही थी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी सर, मैं तो चाह रही थी कि कांग्रेस का पक्ष सामने आए, लेकिन सर आप शुरुआत ही करते हैं भड़कने से। मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा था सर आपसे, मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा था सर आपसे, और कोई तमाचा नहीं लगा मेरे सहयोगी को वहां पर जो समर्थक ने बोला, हमने वही सुनाया है आलोक शर्मा जी। तो आप ऐसे भड़किए मत, अपनी पार्टी पर चिंतन मनन करिए, हमारा छोड़ दीजिए। चार बीजेपी वालों को बैठाया करें, शांति से अपना चर्चा किया करें। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में 42 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, और नोएडा के मीडिया के किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि एक डिबेट कर। आप सर आलोक शर्मा जी तय कर लीजिए, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं या आप मीडिया का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आप तय कर लीजिए आलोक शर्मा जी। नहीं नहीं, आपने बुलाया, मैं अपना पक्ष रखूंगा, अपना ही पक्ष रखना है, मैं वही रखूंगा। बेहतर है आप अपना पक्ष रखिए, मीडिया की चिंता मत करिए। सुनिए ना भाई जरा, आपको याद है वो कमरा नंबर 122 लखनऊ का, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने वेंकैया नायडू को धमकी दी थी, याद है आपको कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा? लेकिन याद नहीं होगा नोएडा के मीडिया को कुछ भी। आसाम का मंत्रिमंडल कितने दिन बाद बना था याद है आपको? जरा बता सकते हैं आप मुझे? दो दिन चुनाव को नहीं हुए, वहां ऐसा हो गया, वहां आपको याद है ना आलोक शर्मा जी? आपको याद है, आपको याद है आलोक शर्मा जी? यही तो दिक्कत है सर, कांग्रेस से जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना जवाब नहीं देती है, आपको बीजेपी की खामियां नजर आती है। जवाब आपको अभी रानी साहिबा का नाम डिक्लेयर हो जाएगा तो पूरा नोएडा का मीडिया कूद कूद के कहेगा परिवारवाद हो गया। सुक्खू का हो जाएगा तो कहेंगे अरे सर मीडिया के कहने से नहीं होता है आलोक शर्मा जी, मीडिया के कहने से नहीं होता है सर। ये थोड़ा सा जो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इसे थोड़ा सा निकाल दीजिए, साइड कर लीजिए, आप हिमाचल पर बात करिए ना, नोएडा की मीडिया को छोड़ दीजिए उसके हाल पर। प्राची जी कैसे छोड़ दें, सारा दिन हिंदू मुसलमान चला चला के देश को कहां पहुंचा दिया आप लोगों को, छोड़ दें हम ऐसे? अरे आलोक शर्मा जी, हिमाचल पर मैंने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछ लिया सर जो आप इतने भड़क रहे हैं? अरे क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए ना कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, बता दीजिए। मैं आपसे कांग्रेस पर पूछूंगी, आप मीडिया पर भड़केंगे, मैं आपसे कांग्रेस पर पूछूंगी, आप बीजेपी की कमियां बताएंगे। आप पहले आलोक शर्मा जी अपनी भूमिका तय करिए, आप मीडिया के आलोचक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं या आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले ये तय कर लीजिए आलोक शर्मा जी। मीडिया का एक वर्ग और भाजपा में फर्क नहीं बचा, इसलिए मैं दोनों का आलोचक हूं, उस वर्ग का भी और भाजपा का। ठीक है, वैसे हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं। आलोक शर्मा जब हिमाचल पर आ जाए लौट कर, आप ही का सवाल, आ जाए लौट कर, आ जाए हिमाचल पर, अगर हो गई हो बहस, मुद्दे भटक गए हो तो आ जाए लौट कर हिमाचल पर, आइए हिमाचल पर आते, आइए हिमाचल पर चर्चा करते। मैंने तीन उदाहरण दिए, दो दिन क्यों लग गए आप मुझे बताइए। अरे सर सुनिए ना आलोक शर्मा जी, बीजेपी का जवाब देने के लिए केके शर्मा जी बैठे हैं सर, आप जब जब मेरे साथ बैठते हैं मैं तय नहीं कर पाती कि मैं आपसे बीजेपी का सवाल पूछूं या कांग्रेस का, मैं केके शर्मा जी से सवाल पूछूंगी, आप अपना जवाब दीजिए, मुझे ये बताइए। आलोक शर्मा जी रुकिए ना,
रुकिए आलोक शर्मा जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम आलोक शर्मा जी आप अपनी पार्टी का देखिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। अरे मुझे हिमाचल पर जवाब दे दीजिए सर, नहीं मिलेगा मुझे जवाब, मुझे नहीं मिलेगा जवाब आलोक शर्मा जी, हिमाचल पर बना रखी है, हिमाचल पर जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं फिर आगे बढ़ूं सर, मुझे बताइए हिमाचल पर जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मेरी हेडलाइन छोड़िए, आप बताइए हिमाचल पर जवाब देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, जवाब नहीं है देने के लिए, जवाब नहीं है देने के लिए, जवाब तो मीडिया के पास नहीं है मैडम। अच्छा चलिए सर, मीडिया यहाँ जवाब देने बैठा भी नहीं है आपको, आप ये क्लियर कर लीजिए, आपको हिमाचल पर जवाब देना नहीं है आलोक शर्मा जी, और ये देख रहे हैं दर्शक मेरे कि जब आपसे सिंपल सा जवाब पूछा जाए तो आप जवाब नहीं देंगे साहब, आप सिर्फ गुस्सा हो जाएंगे। मुझे केवल बताइए 42 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, है आपके पास उत्तर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, कांग्रेस के हैं ना, तो कांग्रेस का जवाब दीजिए, बीजेपी का के शर्मा जी देंगे, भड़किए मत सर, भड़किए मत, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और हर घटना पर सवाल पूछूंगी, आप लोगों की आदत हो गई है, आप आएंगे मुद्दे को भटका कर चले जाएंगे। खैर के शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो लोकतंत्र है, सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए, हालांकि गुजरात का एग्जाम्पल कुछ और कह रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम्पल आलोक शर्मा जी को याद है, अभी भी नहीं पूछ पाएंगे इतना आईना दिखाने के बाद, थोड़ा आपके कहने से पूछूंगी भी नहीं मैं आलोक शर्मा जी, नहीं पूछेंगे ना। अब ठीक है सर, अपनी बारी पर आपने जवाब नहीं दिया, अब के शर्मा जी को बोलने दीजिए प्लीज सर, खराब मत करिए चर्चा को के शर्मा जी। प्राची जी देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अपना अंतर्कलह है, थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम करा दीजिएगा, ये आलोक शर्मा जी प्लीज बीच में नहीं, अपने आपको मैंने भरपूर समय दिया, आप तब नहीं बोले कांग्रेस पर, आप जरा बीजेपी प्रवक्ता का समय है, उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए के शर्मा जी। ये इनका अंतर कलह है और पिछले दो दिनों से पूरा देश जो है देख रहा है कि किस तरह से हिमाचल के शिमला के सड़कों में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं, और ये इसलिए नहीं है, ये सामान्य नहीं है, अरे अरे भैया क्यों बीच में, क्या ये क्या है, ये क्या है भैया, ये बीच में क्यों इतनी बकवास, क्यों मिर्ची लग रही है, अभी तो गोदी मीडिया का, अरे भैया अरे छोड़ दो यार, अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म किया करो आलोक शर्मा, इतनी भी शर्म है कि तुम जो मीडिया को गाली दे रहे हो, इतने बेशर्म हो चुके हो, इतना अहंकार हो गया तुम्हें, है ना, मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हो, दुनिया के साथ बदतमीजी कर रहे हो, अपनी हताशा निराशा बौखलाहट को अब शब्दों में क्यों बदल, निराशा नहीं है, मैंने चार एग्जांपल दिए, उन पर उत्तर है किसी के, मैं जवाब दे दूंगा, आप शांत तो बैठो, मंत्रिमंडल नहीं बना किसी, अरे जवाब सुन तो लो आलोक शर्मा जी, आपकी आदत है जब आपको लगता है आपके पास जवाब नहीं है आप चर्चा को खराब करने लगते हैं, सर मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी वरना मेरी चर्चा नहीं चल पाएगी, मेरे और भी मेहमान है, के शर्मा जी आप बोलिए, आलोक शर्मा जी प्लीज, अब मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, मुझे बीजेपी से जवाब लेने दीजिए प्लीज, थोड़ा सा चुप, देखिए मैं देखिए इनके पास बीजेपी से कोई भी, आप नहीं बताएंगे ना मुझे, चर्चा हिमाचल को लेकर कर रही हूँ, हिमाचल पर ही सवाल पूछूंगी, चाहे आप कितना भी गुस्सा हो लें, आप कितना भी गुस्सा हो लें आलोक शर्मा जी, सवाल तो पूछूंगी, हिमाचल पर पूछूंगी मैं आपसे, के शर्मा जी फटाफट से बताइए आलोक शर्मा जी प्लीज, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, प्राची जी मैं ऐसे नहीं बोलूं, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, बोलिए के शर्मा जी, अब नहीं बोलेंगे, दे दीजिए आपको जो रंग देना दे दीजिए, दर्शक देख रहे हैं आप कैसे चर्चा को खराब करें, आपको जो रंग देना दे दीजिए, के शर्मा जी बात कंप्लीट, मैं प्राची जी इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है, वो अपने अंतर कलह को, और ये दो दिन से जनता देख रही है कि प्रतिभा सिंह क्या बयान कर रहे हैं, सुक्खू क्या बयान कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री क्या बयान कर रहे हैं, एक दूसरे की जो है एक दूसरे का केवल अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे कर्म कर रहे हैं वहां पर, तो जनता तो देख रही है ना, तो क्यों नहीं, और मीडिया भी देख रही है तो सवाल पूछ रही है, लेकिन इनको क्या है, मीडिया को धमकाना है, इनको जो है ये समझते हैं कि हम धमका लेंगे, हम चिल्ला लेंगे तो मीडिया हमारे या देश हमारे जो है वो हमारे जो अंतर कलह है उसको नहीं देखेंगे, और ये चीज इसलिए होता है प्राची जी जब नेतृत्व कठपुतली हो जाता है, और यही हाल आपने पंजाब में देखा था, इनका नेतृत्व कठपुतली हो गया था, बैठक के कर रहे थे और अंत में क्या हालात हुए पंजाब में जाके इनके,
और इसी तरह से रोज जो है सीएम बदलते बदलते थे, एक नवजोत सिद्धू अलग गाली बने जो अपमान करते थे, अमरिंदर सिंह कुछ और बोलते थे और वो इनके जो है एक नेता कुछ और बोलते थे, प्रियंका गांधी का कुछ और, तो यही सारा क्रम इनका हुआ। यही हालात जब नेतृत्व कठपुतली होता है ना, कठपुतली होता है तो राजस्थान में हालत होता है। एक एक मिनट प्राची जी प्लीज कंप्लीट करिए। के शर्मा जी, सवाल आपको लेकर इनका ये है कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक नाम ऊपर से फाइनल होकर आता है और विधायकों को अधिकार नहीं है कि अपने पसंद का नेता चुन लें, एक डमी को बना के बैठ जाते हैं। अब मैंने पूछ लिया आलोक शर्मा जी, आप ना बोले बीच में, सर ऐसे चर्चा खराब होती है। के शर्मा जी, ऐसा है प्राची जी, हमारे यहाँ भी विधायक हमारे विधायक दल से ही नाम तय होता है, लेकिन पहले से हमारा सीएम तय है, तो सीएम तय है तो वो तो सीएम रहेगा, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो हमारा तो अनुशासन तय है। क्यों हमारे यहाँ तो अनुशासन है उसमें, क्योंकि हम तो खुल के बोले। अरे भाई यार, यार कैसा मूर्ख आदमी यार, ऐसे नहीं बोलिए सर, ठीक है, इतनी बड़ी शब्दों पर ध्यान रखेंगे। वो अगर नहीं बोलने दे रहे हैं तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर प्लीज। आलोक शर्मा जी आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए सर, आप चाहते हैं ऐसे शब्द यूज हो, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मजबूर कर देते हैं आलोक शर्मा जी, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे कि आपने कांग्रेस का फीडर डाउन करा दिया। बोलने देंगे नहीं दूसरे मेहमान को आप, आलोक शर्मा जी की। के शर्मा जल्दी कंप्लीट करिए, अब मेरे बाकी मेहमान। प्राची जी, मैंने इसलिए कहा कि हम तो चुनाव जब लड़ने गए थे तभी हमने कहा था कि भूपेंद्र पटेल हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और आज विधायक दल की बैठक हुई तो सर्वसम्मति से नाम भी तय हुआ। ये अनुशासन है पार्टी का, आपके यहाँ क्या है कठपुतली है, इसलिए नेतृत्व क्या है। राजस्थान में एक सीएम अपने डिप्टी सीएम को कहता है कि ये इसकी घसाई नहीं हुई है, ये गद्दार है, तो आपके यहाँ इसलिए ये सब होता है क्योंकि आपका नेतृत्व कठपुतली बन के बैठा होता है, उसका कोई कुछ चलती नहीं है। आज जो ये सब नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, एक दूसरे पर अपमानजनक बातें हो रही है वहां पर, एक दूसरे अपनी अपनी जो है गुटबाजी किए हुए, तो इसलिए क्योंकि आपका नेतृत्व इतना कमजोर है। इतनी आगे सर आपका पॉइंट आ गया कि आपकी पार्टी सबसे अनुशासन वाली पार्टी है, इसी वजह से आपके यहाँ ये फजीहत नहीं होती है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे उनके पास में चली जाती हूँ। मैं आऊंगी आलोक शर्मा जी, आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का, लेकिन प्लीज हिमाचल पर बात करिएगा, मेरी चिंता मत करिएगा। खैर, धर्मेंद्र जोशी जी, जो कुछ हिमाचल में हो रहा है, हिमाचल में जनता ने मैंडेट दिया और उसके बाद जो स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, ये किस तरफ इशारा कर रही है, इसके क्या मायने हम निकालें? देखिए, हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वो पहले से संभावित था, इसलिए कांग्रेस ने चुनावों से पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं करा। ये पहले से था कि सुखू और इधर से होलीलो से वीरभद्र सिंह का परिवार और मुकेश अग्निहोत्री, ये पहले से एस्पायरेंट थे मुख्यमंत्री बनने के। इसके अलावा कई और भी छुपे रुस्तम थे जो जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाह थी। तो जो हो रहा है वो संभावित लाइन्स पर हो रहा है। बाकी अभी इनके समर्थक जरूर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते इनमें समझौता हो चुका है, जो खबरें अंदर से छन के बाहर आ रही हैं। कांग्रेस ने कल ही फैसला कर लिया था सुखविंदर सुक्खू के नाम पर, उस इसीलिए जो प्रतिभा सिंह हैं उनके समर्थकों ने कल थोड़ा बहुत हो हल्ला करा, तो अब क्योंकि सुबह से इनकी बैठकें हो रही हैं, अभी ये जो समर्थक शोर शराबा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि दबाव बनाया जाए कि कुछ उप मुख्यमंत्री के पास या अपने मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा बनवा लिए जाएँ। तो ये जो कुछ हो रहा है वो संभावित लाइंस पे हो रहा है। सुखू के नाम, जैसे आपके पास भी आ रही है खबरें कि सुखू का नाम लगभग तय हो चुका है, अब मंत्रिमंडल को लेके जाके कितने मंत्री हो जाएं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए, इसको लेके थोड़ा सा इनमें बार्गेनिंग चल रही है, ऐसी जो अंदर से खबरें आ रही हैं। ये पहले से संभावित था और अब जो कुछ हो रहा है उसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मान सकते हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका संगीत जी। सवाल संगीत रागी जी इस बात को लेकर है, जहां जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है, जहां जहां उनकी सरकार होती है, वहां वहां ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों होती है, और प्रेशर पॉलिटिक्स अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वो भी सड़कों पर उतर कर, ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, दो तीन बातें मैं सुन रहा था डिबेट को, आलोक जी बोल रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इस देश में हाई कमांड का कल्चर और हाई कमांड की परंपरा, ऊपर से मुख्यमंत्री थोपने का काम श्रीमती गांधी के दौर में शुरू हुआ है, और वही कारण है आलोक जी कि इस देश में कांग्रेस के खिलाफ रीजनल पार्टियां खड़ी हुई। तो रीजनल पार्टियों के देन जो है वो कांग्रेस के अंदर हाई कमांड कल्चर के कारण ही हुआ। मैं आपसे बिल्कुल ही सहमत हूँ, और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा भी, स्वीकार भी किया कि हमारे यहाँ केंद्र जो है वो बहुत मामले में तय करती है,
और जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर से उनका तय होता है, विधायक दल के अंदर से ही तय होता है, और इसे आज की एक नई परंपरा कहें, लेकिन ये सच्चाई यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो यदि 3 मुख्यमंत्री भी बदल देता है तो उसके खिलाफ विद्रोह नहीं होता है। आपने इसे गुजरात में आपने देखा, आपने इसे उत्तराखंड में आपने इसे देखा, आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा, आप अन्य राज्यों में भी ऐसा देख रहे हैं। और शर्मा जी, जो के शर्मा जी ने एकदम सही इशारा किया, और उसका विश्लेषण यही है कि केंद्रीय नेतृत्व चूंकि बहुत कमजोर है, गांधी परिवार आज के दिन में उनकी वो हैसियत नहीं रह गई है जो एक जमाने में हुआ करती थी कि वो जो कुछ कह दें कांग्रेस पार्टी का नीचे तक वह भी स्वीकार कर लेगा। जैसा कि आपने राजस्थान के संदर्भ में आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं है मुख्यमंत्री, उनके उनके उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, और यही हालत जो है वो आज के दिन में जो है वो शिमला के अंदर हो रहा है। आलोक शर्मा जी, आने वाले दिनों में, बस 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यदि हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी से लेकर के बिखर न जाए, इससे भी मैं इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं करता। चलिए आलोक शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, उनसे लाइव जानकारी हम लेंगे, ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है, विरोध होता है तमाम राजनीतिक दलों में और जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका असंतोष होता है, लेकिन ये कांग्रेस का क्या अब कल्चर नहीं हो गया है कि हर जगह आप सड़कों पर आ जाएंगे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये घातक नहीं है क्या? देखिए, मुझे लगता है हेमंत बिश्व शर्मा को भी एमएलओ ने चुना होगा जब वो चार्टर्ड फ्लाइट में आए थे अमित शाह से मिलके, और यहीं से अनाउंसमेंट हुआ था। और खट्टर साहब को भी एमएलए नहीं चुना होगा, और उत्तराखंड में 10 दिन लग गए थे कि एक हारे हुए मुख्यमंत्री को जब चुना गया, जब सरकार भी नहीं रही इतने दिन तक, तब भी शायद वो कल्चर जो था वो तो एमएलए नहीं चुना होगा उनको कि भाई हम तो इन्हीं को बनाना चाहते हैं। ये सब जो है ना, ये केवल कयास वाली बातें। 122 नंबर कमरा में याद दिला रहा हूं बार बार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या हुआ था, वेंकैया नायडू कितने घंटे तक बैठे रहे थे और पार्टी टूट के कगार पर थी। लोकतंत्र में इस तरह की खींचातानी होती है। आडवाणी जी ने अटल जी के लिए और अटल जी ने आडवाणी जी के लिए क्या क्या कहा है उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या धमकी नहीं दी थी, इसकी जांच भी करा लीजिए। मैं आलोक शर्मा जी बीच में रोक रही हूँ आपको, हिमाचल में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे गए हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अब ये समझा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हालांकि अभी जो कयासों का दौर है वो ये जरूर बता रहा है कि नाम फाइनल हो गया है। इस वक्त अंदर है, अब उनको भी बाहर आना है। सीएलपी की बैठक कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो सकती है, और एक एक करके तमाम जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, विक्रमादित्य की गाड़ी को उनके समर्थकों ने घेर लिया है, उनके पास तक नहीं जाने का मौका मिल रहा है, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें कि एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो बाहर आने शुरू हो गए हैं। पहले प्रतिभा सिंह निकली, उसके बाद विक्रमादित्य निकले, और अब कुछ ही देर में जो ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, पहले पुलिस ने यहाँ पर घेरा बनाया, उनको यहाँ पर उठाया गया है, और अब ये तस्वीरें विधानसभा की तरफ जाने की तैयारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग धीरे धीरे वहां पर जाना शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, अगर मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरह से घेराबंदी यहाँ पर इस ओबराय होटल के बाहर हिमाचल पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी यहाँ पर कर ली है। और ये जो तस्वीर लगातार जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं विक्रमादित्य के समर्थन में कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, ये नारे जो है यहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें, विक्रमादित्य जो है उनकी गाड़ी भी अब विधानसभा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर हल्ला गुल्ला जो है वो हो रहा है, और लगातार जो विरोध था यहाँ पर प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा वो किया जा रहा था, सुखविंदर सुक्खू के नाम को लेकर विरोध जताया जा रहा था। बहरहाल अब आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, और कुछ ही देर में अब यहाँ से जो बाकी के लोग हैं वो भी निकलेंगे। तमाम लोग अभी अंदर हैं, प्रतिभा सिंह जो कि सुबह 10 बजे ज्योति करीब यहां पर पहुंच चुकी थी, और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं आपकी काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। 10 बजे से विक्रमादित्य और जो
प्रतिभा सिंह थी, दोनों लोग अंदर मौजूद थे, ऑब्जर्वर के साथ थे। काफी देर तक वहां पर बैठक होती रही है और 5:30 अब बज चुके हैं, तो काफी लंबा समय उन्होंने अंदर रहे हैं वो। बाकी जो नेता थे, अभी मुकेश अग्निहोत्री भी गए थे, वो बहरहाल भी बाहर नहीं आए हैं। तो कुछ ही देर में विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। तो अब तो ये लोग जो है, अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो ये मुकेश अग्निहोत्री जो है वो भी जैसा कि बता रहे हैं कि वो निकल चुके हैं यहाँ से, और बाकी ऑब्जर्वर जो है वो अभी अंदर ही हैं, थोड़ी देर में वो भी यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी यहाँ पर कर ली है, और यहाँ पर जो समर्थक बैठे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। बहरहाल कुछ ही देर में अब जो सीएलपी की मीटिंग है वो शुरू होगी, और उसके बाद जो फाइनल मोहर है वो यहाँ पर लगेगी। बिल्कुल पुनीत ने अभी तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें ये कह रही हैं कि धीरे धीरे करके अब जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा था, लेकिन उस जमावड़े को भी क्लियर करा लिया गया है, और शाम तक ये समझा जा सकता है, अब से थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि हिमाचल की बागडोर अगले 5 साल में किसके हाथों में रहेगी। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। हिमाचल में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, सियासी बाजार जो है उसमें अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है, और अब ये साफ हो रहा है कि शिमला में किसको कमान दी जाएगी, शिमला का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। आलोक शर्मा जी, सवाल का जवाब रह गया था सर, बीजेपी के एग्जाम्पल आप दीजिएगा सर, बिल्कुल बताइएगा, रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सिर्फ कांग्रेस की बात करते हुए, कि ये कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल नहीं है कि आप जहां जहां पर सरकार बनाते हैं वहां वहां आपके दो गुट सामने आते हैं, और दो गुट अगर सामने भी आए, आलाकमान से बात भी करें वो तक तो ठीक है, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन अपनों के ही खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, समर्थन में है, वहां पर किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं। समर्थन में समर्थक नहीं आएगा तो कौन आएगा? भाजपा के लोग आएंगे। अगर कोई किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चाहता है तो वो समर्थन कर सकता है, इसमें कहां आपत्ति है। परसों रिजल्ट आए हैं, कल से एक एक विधायक से, परसों ही शाम तक पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, कल शाम तक मैक्सिमम लोगों की राय ले ली गई है, कुछ समय पर सीएलपी की मीटिंग होगी, फैसला ले लिया जाएगा, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक कुछ हो सकता है? अब मेरे सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जिस दिन बने थे 7 घंटे तक वेंकैया नायडू जी ने क्या समझाया था? क्या पार्टी तोड़ने की धमकी थी? दूसरा, हेमंत बिश्व शर्मा जब आए थे आसाम से और अमित शाह जी से मिले थे तो क्या विधायकों को साथ लेकर आए थे? तीसरा, मनोहर लाल खट्टर को 2014 में जब बनाया गया था तो क्या विधायकों ने समर्थन दिया था? अगर हम ऊपर से कोई बना दे तो हाईकमान कल्चर है। आज अगर विधायक तय कर रहे हैं तो कांग्रेस परिवार जो है, गांधी परिवार जो है, वो बहुत कमजोर हो गया है। अंतर समझिए, जो तीन उदाहरण आपने दिए ना, मैं इसका जवाब अभी लूंगी के शर्मा जी से, लेकिन इन तीनों उदाहरण में आप कूद पड़ी। अरे सर सुनिए ना, मैं इसलिए कूद पड़ी क्योंकि मुझे आपसे जवाब लेना है, इसलिए बैठी हूँ मैं यहाँ पर, मेरा काम है ये। अब सुनिए, आप मेरे से सवाल कीजिए, तीखे से तीखा कीजिए, कर नहीं पाएंगे वैसे आप बीजेपी से सवाल, लेकिन एक दो सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करें। चलिए सर, मैं आप मुझे जब हम साथ बैठते हैं आप मुझे सलाह जरूर देते हैं, आलोक शर्मा जी ये सलाह आप मुझे जरूर देते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ सर, जितनी अच्छी रीडिंग आप बीजेपी की करते हैं उतनी अच्छी रीडिंग अपनी भी कर लिया करें, अपनी पार्टी की कर लिया करें सर। आप जिस फजीहत का जिक्र कर, रुकिए ना, काम है बीजेपी की रीडिंग करना, बिल्कुल अच्छी बातें करिए सर, लेकिन अपने घर पर भी ध्यान रखिए, आपके घर के भीतर क्या चल रहा है उस पर भी जवाब देना सीखिए, अपने घर में क्या चल रहा है उसका भी जवाब देना सीखिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, मैं मान रही हूँ आलोक शर्मा जी अगर कह रहे हैं तो मैं मान रही हूँ कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, लेकिन ये कौन सा, आप सुनेंगे नहीं, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना, सुनिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा आलोक शर्मा जी। मैं मान रही हूँ आलोक शर्मा जी ने मुझे बताया कि कांग्रेस सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कौन सा लोकतंत्र है सर कि आप सड़क पर आ जाएंगे, आप कह रहे हैं चलिए समर्थन में नारेबाजी की, किसी एक नेता को लेकर समर्थन नहीं हो रहा है, दो अलग अलग धड़े हैं, तीन अलग अलग धड़े हैं और समर्थक जुटे हुए हैं सड़कों पर, ये कौन सा लोकतंत्र है? आप मैनेज करने में क्या मैनेज कर नहीं पाते हैं क्या, पहले से भांप नहीं पाते क्या आप लोग, जो आपके घर की लड़ाई सड़क पर आती है फिर आप कहते हैं सवाल उठाते हैं हम, 5 धड़े हैं वहां पर आपको पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग स्टूडियो में, 3 धड़े बता रहे हैं आप, विजय जी से पूछ लेते हैं। अरे सर ठीक है, 5 धड़े हैं, 2 मैंने बोल दिया, चलिए सर माफ कर दीजिए मुझे, अरे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, 5 धड़े हो गए, 5 धड़े हो गए आलोक शर्मा जी,
अरे सर पांच धड़े हो गए मान लिया मैंने, माफ कर दीजिए सर मुझसे चूक हो गई, मैंने सोचा कि शायद दो में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ तो पांच पांच हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ दस हैं। आडवाणी जी अटल जी हमेशा दो धड़ों में रहे, लोकतंत्र की खूबसूरती है। चिंता है आपको बीजेपी की, केके शर्मा जी इतनी चिंता तो आप अपनी नहीं करते हैं, आलोक शर्मा जी को देखिए कितने स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनको बहुत चिंता है आपकी, जवाब दे दीजिए जितने भी एग्जाम्पल दिए उन्होंने। नहीं नहीं मैं इनको जवाब देता हूँ और अच्छे से दे देता हूँ। मुझे बताइए खट्टर जी का विधानसभा में, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए, सुन लीजिए। पर्ची देनी थी क्या? अरे सर समय ऐसे ही खत्म होता है आलोक शर्मा जी, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे समय खत्म करना है, अब जरा सुन लीजिए। ये बहुत बुखलाए हुए हैं, ये इनको बिल्कुल हताश की स्थिति है इनकी, हताशा की। ऐसा है प्राची जी, मैं आपको इनका जो बार बार उठा रहे हैं ना उसका उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस पे बात करेंगे, इन्होंने कहा सुन लीजिए, अरे भाई यार क्या हो गया तुम्हारे यार, भाई ये प्राची जी तीनों के उत्तर ले लीजिए इनसे जरा। अरे भाई पागल हो गए क्या, अब आप सुनेंगे नहीं, आप पागल की तरह चिल्ला रहे हो यार, पता नहीं क्या कुछ ले कर क्या वो देख रहा है पूरा देश। आलोक शर्मा जी पागल की तरह, आलोक शर्मा जी आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिले तो आपको थोड़ा सा तो शांत रहना होगा, फिर आप कहेंगे कि सवालों के जवाब नहीं मिले। के शर्मा जी जवाब दीजिए, चिंता है उनको आपकी बहुत, जल्दी बताइए क्योंकि आपकी पार्टी में होता है तो वो कैसे लोकतंत्र हो गया। मैं केवल प्राची जी जो आपके दर्शकों के लिए एक ही जो है उदाहरण दे देता हूँ, उससे इनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये कह रहे हैं कि वेंकैया नायडू जी और कोई रूम बता रहे हैं कमरा नंबर इतना, ये 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 में वेंकैया नायडू जी का उत्तर प्रदेश के चुनाव और इस विषय से कुछ नहीं था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई साहब, वहां के राज प्रभारी उत्तर प्रदेश के थे नड्डा साहब। अब दो वहां पर जिनका वेंकैया जी का कुछ लेना नहीं देना नहीं, वहां वेंकैया जी और इनके बीच की ये बात बता रहे, तो इनकी मैं मूर्खता कहूं, अज्ञानता कहूं या क्या कहूं। और दूसरी बात, अरे भाई चुप तो हो यार, आपने बोला था मैं नहीं बोला, आप शांति रहो। और एक कमरे में यदि दो लोग प्राची जी बात कर रहे हो तो वो बात जो कि मीडिया में नहीं पूरी दुनिया में नहीं, वो आलोक शर्मा को कैसे पता? आलोक शर्मा जी क्या वहां जो चपरासी वहां झाड़ू लगा रहे थे? अरे वहां पोछा लगा रहे थे, तुम वहां पोछा लगा रहे थे कि चाय बांटने गए थे, चपरासी थे वहां। इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी जिस आदमी को शर्म नहीं इस बात, पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा, पर्सनल नहीं होना है सर। नहीं नहीं प्राची जी मुझे एक बात सुन, नहीं नहीं पर्सनल नहीं सर, के शर्मा जी अपनी बात कहिए लेकिन पर्सनल मत। अरे मैं क्यों नहीं बोलूं इस बात को, जो आदमी सरेआम झूठ बोल रहा टीचर में बैठ कर 2017 में जहां तक दूर दूर तक चर्चा नहीं, विधायकों की राय किसने ली थी? अरे भाई योगी आदित्यनाथ बने, प्राची ये पत्नी जी क्यों करवा रहे मनोहर लाल खट्टर बने तो किससे बंद कीजिए आप, इसी तरह बताइए मुझे, बोलने दीजिए। आलोक शर्मा जी थोड़े से शांत हो जाए, शर्मा जी आप भी जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे किसी पर तो वो बीच में आएंगे ही आएंगे, अब आप ये उम्मीद करेंगे कि आप कुछ भी बोलेंगे और आलोक शर्मा जी सुन लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी थोड़े आप भी शब्दों का ध्यान रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मुझे एक चीज बताइए, एक कमरे में दो व्यक्ति बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं जिसकी कोई चर्चा मीडिया में नहीं, वेंकैया जी का उस समय कोई लेना देना नहीं, वेंकैया जी राष्ट्रपति के, वेंकैया जी के नहीं, अरे भाई यार, अरे ये बता रहे। अच्छा ठीक है मैं समझ गई, के शर्मा जी आप कह रहे हैं सब ठीक है आपकी पार्टी में और जो कुछ हो रहा है ये गलत एग्जांपल कोट कर रहे हैं सर, क्योंकि मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं वो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, आप दोनों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मेरे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विजय लक्ष्मी के पास सर सर प्लीज 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 के शर्मा जी, आलोक शर्मा जी नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, मर्यादाओं के साथ बात करिए सर, आपसे जनता सीखती है आप दोनों से, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप शब्दों का चयन ऐसा करेंगे जिससे मेरे दर्शक समझे। जब कोई आदमी मूर्खता, आप संगीत रागी जी बोल रहे हैं प्लीज प्लीज प्लीज, आप दोनों वरना एक दूसरे में उलझे रह जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा। संगीत रागी जी देखिए प्राची जी हेमंत जी का कोई इशू, के शर्मा जी मैंने संगीत रागी जी से पूछा, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए आलोक शर्मा जी, संगीत रागी जी तुम्हारे से कहते पूछने के लिए, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा फीडर इनका डाउन कर दीजिए, थोड़ी सी आवाज संगीत रागी जी को बोलने दीजिए। देखिए हेमंत विश्व शर्मा ने क्या बोला क्या चीज नहीं लाई इतना तो प्रेस में जो आलोक जी कह रहे हैं वो नहीं जानकारी है, लेकिन पिद्दी की जानकारी जरूर है क्योंकि हेमंत जी ने सारे लोगों के सामने उसके बारे में चर्चा किया जो मीडिया में भी आया।
मेरा लिए ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि राहुल गांधी का खेमा और प्रियंका गांधी का खेमा, ये दोनों फिर से एक बार हिमाचल की राजनीति में आपस में टकरा रहे हैं, और ये देखना है कि ये फिर से खेमा किस ओर ले जाता है। क्या राजस्थान में जिस प्रकार से भाई और बहन का झगड़ा है, क्या वही झगड़ा फिर से हिमाचल में अंदर आएगा? भाई और बहन के बीच का जो अंदर का अंदरूनी जो तनाव है राजनीति के अंदर, खेमाबंदी है जो आपको छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, क्या वही खेमाबंदी फिर से यहाँ पर कहीं हिमाचल प्रदेश में नहीं तो आ जाए? यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत अशुभ होगा। बहुत दिनों के बाद 2018 के बाद कांग्रेस जीती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का विपक्ष की राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसका होना क्षेत्रीय दलों की अपोजिशन से बेहतर होगा विकल्प देश के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, राहुल गांधी एनजीओ के साथ जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके गोद में अपने आप को, तो रोज़ रोज़ गोदी मीडिया कहते हैं। सबसे बड़ा गोदी मीडिया का काम तो राहुल गांधी जी ने कर रखा है, वामपंथियों के गोद में, एनजीओ के गोद में, ऐसे ऐसे लोग गोद में जा करके बैठ गए हैं, और पूरी कांग्रेस की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत, उसी को आग लगा करके ताप रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए और आने वाले दिनों में बड़ा अशुभ होगा। मुझे लगता है कांग्रेस इन चीजों का ध्यान जरूर रखेगी। ठीक है आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है आपने सुना भी होगा, और अगली बार जब हम चर्चा में बैठेंगे तो मुझे लगता है सर इस पर ध्यान रखकर आप मुझसे बात करने के लिए आएंगे, और मेरी चिंता ना करते हुए, बाकी मेहमानों की चिंता ना करते हुए, आप कांग्रेस की चिंता करेंगे और कांग्रेस की बात करेंगे। समय यहीं तक था सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सरकार बना रही हिमाचल की जनता, अच्छी बात है सर, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आप हिमाचल में सरकार बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।